अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अर्णव जी तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। कदम बढ़ाने जा रही है तो कभी भी तेरे मन में कोई दुविधा जाग जाए तो बस इस शिव पुराण का कोई भी पन्ना पढ़ लेना, तेरे सारे सवालों के जवाब। कसम, अब हमारे मन में उस लड़की को लेकर कोई सवाल नहीं है। सच्ची है बिटिया, चलो आज हम आज सब ठीक है। अब से ये घर ही हमारी दुनिया होगी, सास ससुर हमारे माता पिता, नंदे बहने और अर्णव जी हमारे भगवान, जो कि अभी जरा नाराज है हमसे, लेकिन कोई बात नहीं, हम मना लेंगे उन्हें और अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखेंगे हम अपनी इस छोटी सी दुनिया का और अपने भगवान का। रुको रुको, आगे नहीं जाना है, गृह प्रवेश बाकी है।
हमारे बाबूजी की दाई माँ और हमारी नानी माँ। इनको परिवार ही समझो, हमारे यहाँ नौकरों को नौकर ना ही समझते, भले ही हो। बेटा ताई माँ के पहुंचो, सदा सुहागन रहो और अपनी सास की कप्तानी में जिंदगी के मैच में खूब रन बनाओ और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनो। हमारी नानी माँ को क्रिकेट का बहुत शौक है। वो सब छोड़िए ताई माँ, वो चौकी कहाँ है जिसके ऊपर दुल्हन को खड़ा करके हम वो आरती करते हैं? हाँ, आपको रस्मों पे ध्यान नहीं है। हाँ, लाते ही लो, आ गए। आ जा बेटे, चल जा। ठीक हो? आराम से कहा दाई माँ, देख के भी ना ला सकती आप? हाँ, अभी आते हैं। हमारी तरफ से ग्रह प्रवेश का सगुन। अब सही हो गया, आ जा बिटिया, अब चढ़ जाना बिटिया, अब ना ही गिरोगी। क्या हुआ, किस सोच में पड़ी हो? हाँ, चढ़ जाओ बिटिया। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कम ऑन। अरे बाबी, चढ़िए ना, मम्मी ने ठीक कर दिया है, चढ़िए चढ़िए ना। हमें लगता है अब ज्यादा सही रहेगा, है ना? चलो, गो अहेड। जन्मों जन्मों का इंतजार खत्म हो गया, हमरी मन चाहे नौकरी। बहुरानी मिल गई। ए बिटिया, अब नीचे उतरो,
पैर से कलश को गिराओ और गृह प्रवेश करो। हाँ आय हाय, ये कलश कहाँ गया? झिलमिल, ये कलश रखना भूल गई तुम? अरे मम्मी लाते बस दो मिनट। जब देखो झिलमिल आए रहती है। कौन रखता है? अखियन में सपने सजे हैं, सिंदूरी रंग आसमां, पग पग मोरी चाल बदली, मोहे पीके घर जाना। तुम 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 अखियन में सपने सजे हैं, सिंदूरी रंग आसमां, पग पग मोरी चाल बदली, मोहे बताए। मम्मी नई बहू आ गई, अब तो बस बाकी जिंदगी के मौसम के मजे लूटो। अभी नहीं, पहले सिखा पढ़ा तो दो, घर ग्रह से दिखा तो दो। ओके सिरिंगार कॉस्मेटिक। आय हाय, ये चिट्ठी डिब्बे से निकलकर यहाँ कैसे आ गई? ए ये रद्दी में से आया होगा, ये हमका दे दे। एक सेकंड एक सेकंड। हाउस ऑफ श्रृंगार, ये मुंबई से है। जिस कंपनी में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था वहां से। ओ गॉड, इज दिस रियली हैपनिंग? मम्मी, ये मेरा इंटरव्यू कॉल है। पापा, मुझे परसों मुंबई पहुंचना है। अरे बहुत बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशंस। Congratulations! ये तो बहुत ही अच्छी खबर है भाई साहब। Congratulations! पल्लवी, I'm so happy. Can you believe this? Mumbai, finally Mumbai is happening. I must say, you are so lucky for me. तुम्हारे हाथों मुझे ये लेटर मिलना था। करना मम्मी ने तो मैं बहुत खुश हूं, आज बहुत ज्यादा खुश हूं। ये कैसे बार बार पल्लवी को बता रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे ये अकेले नहीं, पल्लवी को साथ ले जाने की सोच रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहू के कदम बहुत ही शुभ है। देखो घर में कदम पड़ते ही शुभ संदेश मिला। काश अपनी बहू के बारे में भी हम ऐसा ही कह पाते। मम्मी, लेकिन ये लेटर आया कब? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तुम्हारी शादी की वजह से नहीं बताया, और काहे नहीं बताएंगे? सोचा होगा एक बार शादी हो जाए तो आराम से बता देंगे। क्यों बबली, यही सोचा था ना?
हाँ वही सोचे थे हम बिटुआ, तुम तुम्हें शादी की इतनी तैयारियाँ करनी थी ना, हम भूल गए होंगे बिटुआ। मम्मी वो ठीक है, लेकिन अगर अभी लेटर नहीं मिलता ना आज तो इंटरव्यू मिस हो जाता। इनफैक्ट मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा मुंबई पहुंचूंगा कैसे, टिकट तो बुक ही नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें भाई साहब, हमको जुगाड़ करते हैं और तत्काल में ट्रेन की टिकट करवाते हैं, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। ठीक है। अरे अब शिवा ने कह दिया तो हो जाएगा इंतजाम। हम कभी नहीं सोचे थे कि खुशियों का डब्बा हमरे खोले बिना ही हमरे हाथों से ऐसे सरक जाएगा और हाथ में आएगा नीलबट पे सन्नाटा। नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर बंबई जाना ही है तो अर्णव को अकेले जाना होगा, हमरी बहुरिया कहीं नहीं जाएगी। एक मिनट, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना तुम भी मेरे साथ मुंबई चलो। हम मेरे इंटरव्यू देने के बाद हम आज से गोवा चले जाएंगे हमारे हनीमून के लिए। लेकिन आज ही तो आए हम, फिर लोग क्या सोचेंगे? अरे कोई कुछ भी नहीं सोचेगा और मम्मी से मैं खुद बात कर लूंगा। तुम ऐसे काम करना, तुम अपना सामान अनपैक मत करना, हम हनीमून के लिए जा रहे हैं, अंदाज फाइनल। मैं अभी आता हूं। अरे मेरे फोन की बैटरी, आप कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आ सकते हैं तो मैं चार्जर लेके आता हूँ, एक मिनट बस। पल्लवी, पल्लवी गेट खोलना है, यहाँ से बाहर से खुल नहीं रहा। भोले बाबा की जय। अर्णव जी ये दरवाजा नहीं खुल रहा। ऐसे कैसे नहीं खुल रहा है, देखो बाहर से तो नहीं खुल रहा है, बंद कैसे हो गया? पूछा नहीं था बबी, शादी की पहली रात मेरी ऐसे गुजरेगी। थैंक गॉड लाइट चली गई। यार अर्णव जी आप है ना वहां? हाँ पल्लवी मैं यही हूँ। सुनिए आप अपना कान दरवाजे से लगाइए। हाँ बोलो।
ओके आ रहा हूँ, मैं कुछ करता हूँ। पकड़ो।